तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अव्यय। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अव्यय को पढ़ेंगे। इससे पहले बता दें कि आपके क्लास 10 संस्कृत में जितना भी टॉपिक है, ईच एंड एवरी टॉपिक, उचित अर्थ, भाषिक कार्य, मसूदी संशोधन, विशेषण विशेष, जो भी टॉपिक है उस सब टॉपिक का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी है नीचे, उस पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा एकदम सीरियली, तो उसको देख लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनली जुड़ के हम संस्कृत तैयारी करवा दें आपसे पर्सनली जुड़ के, तो आप प्रो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अव्यय। अब अव्यय होता क्या है सो समझिए। तो अव्यय एक ऐसा शब्द है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अव्यय एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि बदलाव नहीं होता है, समझिए। तो एकदम बेशरम चीज है। कौन? अव्यय। देखिए, अव्यय एक ऐसा शब्द है जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये एकदम निर्लज है, बेशरम है। और अभी देख रहे हैं वो देश में आदरणीय शाहरुख खान जी का बेटा गजेरी भंगेरी हो गया। लाज है कि पापा का जी का इतना बड़ा नाम है और हम ऐसे हो गए। तो वही है अव्यय। इसका कभी भी न रूप बदलेगा न कुछ भी बदलेगा, और यह हमेशा के हमेशा लिए वैसा ही रहेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक एग्जांपल, राहुल भी स्कूल जाता है। एक एग्जांपल मैं रखता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा अव्यय होता क्या है। राहुल भी स्कूल जाता है, ठीक। और वहीं पे मैं लिख दूं, गीता भी स्कूल जाती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मैं लिख दूं, सभी बच्चे भी खेलने जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप गौर कीजिएगा तीनों ये उदाहरण पे, एग्जांपल पे, तो आप देखेंगे एक शब्द है भी, यह सभी में एक कॉमन आ रहा है, तो यह कभी भी नहीं बदल रहा है, तो हम इसे ही क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ स्कूल कौन जा रहा था, राहुल जा रहा था, मतलब यहाँ पे यह जो शब्द था एक पुल्लिंग था। उसके बाद स्कूल कौन जा रही थी, गीता जा रही थी, यहाँ पे क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद आप देखेंगे सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों जा रहे थे, तो भी यहाँ पे भी क्या रहा, वही रहा। लेकिन आप देखेंगे स्टूडेंट संधि में प्रत्यय में शब्द बदल जाते हैं, लेकिन अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो कोई भी हालत में परिवर्तन नहीं होता, न उस पर विभक्ति का रूल लगता है, न लिंग का रूल लगता है, और न ही वचन का रूल लगता है, और न ही धातु का रूल लगता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो अब हम क्लियर हो चुके हैं कि आप लोग का अव्यय जो है वह क्लियर हो चुका है। अब चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा अव्यय है जो आपको क्लास 10 संस्कृत में पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। उससे पहले बता दें कि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि जितना भी लेक्चर का नोट्स, पीडीएफ सब कुछ जो है आपको यहीं दिया जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ सब कुछ यहाँ मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी आपकी परेशानी हो वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, एक तरफ हम लिखेंगे अव्यय, ठीक, और एक तरफ लिखेंगे उसका अर्थ, हिंदी अर्थ, क्योंकि संस्कृत की तो पढ़ाई चल रही है, लेकिन डायरेक्ट संस्कृत में लिख देंगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा, तो फिर वीडियो देखने का क्या फायदा, ठीक है। अर्थ का मतलब हुआ मीनिंग, हिंदी मीनिंग। अब देखिए, पहला अव्यय है स्टूडेंट संस्कृत में अपि, ठीक, इसका हिंदी मीनिंग होता है भी। उसके बाद दूसरा है एव, एव का मतलब होता है ही, याद करते चलिए। उसके बाद है इतस्ततः, इसका मतलब होता है क्या, इधर उधर, इधर उधर, जो अभी आप लोग कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, सामने एग्जाम है तो ये सब छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद है यथा, यथा का मतलब होता है क्या, जैसा, ठीक। उसके बाद है तथा, तथा का मतलब होता है वैसा, और जहाँ यथा तथा दोनों रहे तो वहाँ हो जाएगा जैसा वैसा। उसके बाद है अधूना, अधूना का मतलब होता है अब, इसको नोट करते चलेंगे आप लोग भी एकदम, ऐसे नोट्स हम दे देंगे लेकिन नोट करते चलिए, तो इतना लिख लिए, अधूना का मतलब अब। उसके बाद है इति, इति का मतलब होता है ऐसा, ठीक, तो ये सबको याद करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कुत्र, कुत्र का मतलब होता है आपको
कहाँ, ठीक है। कुत्र का मतलब बहुत बच्चे समझ लेते कुत्ता, तो कुत्ता नहीं होता है, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। उसके बाद मतलब होता है आपको यत्र तत्र का, यत्र तत्र का मतलब यहाँ वहाँ, क्या होता है यहाँ और वहाँ। आगे क्वेश्चन भी कराएंगे कैसे अव्यय का करना है, पहले अव्यय आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद है ईव, ईव का मतलब होता है की तरह, क्यों आगे पीछे घूमते हो भवरों की तरह, गाना है ना तो उसी का ईव, ईव का मतलब होता है की तरह। उसके बाद है नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चय ही, क्या होता है निश्चय ही, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको पढ़ना है वृथा, वृथा एक बहुत इम्पोर्टेंट अव्यय है बेकार में, बेकार में, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब होता है कदा, कदा तो प्रश्न निर्माण में भी पढ़ाए थे, कदा का मतलब होता है कब। उसके बाद मतलब होता है संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अब, एक साइड हिंदी लिख रहे हैं और इस साइड संस्कृत लिख रहे हैं, ये जो अभी लाल कलर का कि ये संस्कृत है और ये हिंदी है, दिस इज हिंदी एंड दिस इज संस्कृत, ओके। चलो मूव ऑन, अब इसको नोट कर लीजिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यावत का मतलब होता है जब तक, जब तक है जान, यावत का मतलब क्या होता है जब तक, जब तक मेरी सांसों को जीना लूं। स्वह का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक। ये सब एकदम याद कीजिएगा तभी काम चलेगा। उसके बाद मतलब होता है उच्च, उच्च का मतलब होता है जोर से, ठीक। उसके बाद आता है इदानीम, इदानीम का मतलब होता है अब या इस समय, ठीक, इस समय के लिए भी इदानीम का प्रयोग होता है, प्रेजेंट टाइम। उसके बाद मतलब होता है सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, ठीक है स्टूडेंट। तो यह था आप लोग का, उसके बाद कुतः का तो लिखा दिए, कुतः का कहाँ से शायद नहीं लिखा है, कुतः का मतलब होता है कहाँ से, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट बनाते चलिए बाबू, और हमेशा कहते हैं नोट ऐसा बनाइए ताकि ऐसा पढ़िए उस नोट से, ताकि ऐसा मार्क्स लाइए, अच्छे पद पे जाइए और नोट्स छापिए, नोट्स, पैसा वाला नोट, तो नोट से नोट कमाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद च का मतलब होता है और, ठीक है, जहाँ जहाँ च होगा, रामा च लक्ष्मणा च, तो इसका मतलब होता है राम और लक्ष्मण, तो च का मतलब होता है और, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है यत्र, यत्र का मतलब होता है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यदा का मतलब जब, जब तक, और तदा का मतलब तब, जब तब, ठीक। तो इतना स्टूडेंट आपको अव्यय याद करके रखना है अपने क्लास 10 के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना अव्यय आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट अव्यय के क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे उसके बारे में जानते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं और जानते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, लिखिएगा इसको, ईश्वर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ईश्वर ईश्वर डैश व्यापक। अब देखिए यहां पे यह क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर क है सर्वत्र, ठीक, ऑप्शन नंबर ख है बिना, ठीक है बिना, ऑप्शन नंबर ग है सहसा। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आप अव्यय का क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यही काम करना चाहिए कि आपके पास जितने भी अव्यय हैं उसका आपको हिंदी अर्थ समझ लेना चाहिए कि हिंदी अर्थ होता क्या है। सर यही तो नहीं आता है, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो इसके लिए एकमात्र उपाय है बउआ, जैसे बाबू अगर नहीं आपसे मतलब मेल मिलाप कर रही हो तो उपाय है ना कि उसको डोमिनोज का पिज़्ज़ा खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, अपने आप आपकी हो जाएगी। तो उसी तरह अगर अव्यय का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो सबसे पहले ये जो चाट है इसको एकदम चाट जाइए, ठीक। आपको एकदम हिंदी में नहीं याद रहना चाहिए कि कुत्र का मतलब कहाँ, यत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, ईव का मतलब की तरह, ठीक। तो अपने आप अव्यय का क्वेश्चन बनने लगेगा। अब जैसे यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन में है सर्वत्र, बिना और सहसा। तो सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक।
बिना का मतलब क्या हुआ, इसके बिना, नहीं जीना तेरे बिना, वही वाला। तो बिना मतलब इसके बिना, मतलब समझ ही रहे, मतलब विदाउट, ठीक। सर्वत्र का मतलब क्या हुआ, सभी जगह। तो यह हो गया अव्यय का हिंदी, ठीक है। यह आप अव्यय का हिंदी समझ गए? जी सर समझ गए। अब आगे क्या करना है आपको, शांति से इस संस्कृत को क्या करना है, पढ़ना है। जो संस्कृत आपको दिया रहे वाक्य में उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या है, ईश्वरः डैश व्यापक। ईश्वरः का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं क्या होता है सर, भगवान होता है। इधर साइड में लिखिए सर, हाँ सर यहाँ पे सही है, भगवान होता है। डैश में हमको भरना है। और व्यापक का मतलब होता है क्या, बड़े पैमाने पे, सभी जगह। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि व्यापक का मतलब क्या हो गया, बड़े पैमाने पे या सभी जगह। अब देखिए कि इसमें कौन सा अव्यय सेट कर रहा है। तो भगवान अचानक बड़े सभी जगह हैं, तो ये तो एकदम गलत हो रहा है कि है भगवान अचानक कैसे आ जाएंगे, भगवान तो सभी जगह हैं। बिना भगवान, बिना व्यापक, ये तो कोई सूटेबल नहीं है। एकमात्र वर्ड सूटेबल बैठ रहा है जिसका नाम है सर्वत्र, यानी कि ईश्वर, ईश्वर सर्वत्र व्यापक, मतलब भगवान जो है सभी जगह हैं। कितना सिंपल था, समझ गए? तो इस तरह से अव्यय के क्वेश्चन को कीजिएगा। अब दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट, सीबीएसई के आप स्टूडेंट है, आपका क्या प्रॉब्लम रहता है कि सर हमको सेंटेंस समझने में ही दिक्कत होता है, उसका कोई उपाय बता दीजिए। तो एक आपके जो ये सीबीएसई अंकल है, उन्होंने तो आपके लिए शानदार एक ऑफर दे दिया है कि बाबू सेंटेंस जो पूछेंगे, जो वाक्य जो पूछेंगे, वह तुम्हारे सेमुसिया जो बुक है उसी का वर्ड सब पूछेंगे। तो जितना बेहतर ढंग से आप सेमुसिया की तैयारी कीजिएगा, सेमुसिया बुक को जितना बेहतर ढंग से पढ़े रहिएगा, अव्यय आपका उतना ही बेहतर हो जाएगा। और अभी इससे पहले एक ही वीडियो डाले थे कि सेमुसी बुक को कैसे पढ़ना है, तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें सारा जो कॉन्सेप्ट है दे दिए, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं बोर्ड के क्वेश्चन पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और कैसे कैसे बनाने हैं आपको। तो यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ईश्वर का मतलब भगवान, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, अव्यापक का मतलब बड़े पैमाने पे हैं या सभी जगह हैं। तो इस टाइप से तो क्या बन गया, ईश्वर सर्वत्र व्यापक, मतलब भगवान सभी जगह हैं, भगवान बिना ही तो कुछ सूटेबल नहीं है, अचानक कुछ तो सूटेबल नहीं है, तो क्या करे, हटा देते इस दोनों ऑप्शन को, गलत किया ये सही कर दिए। तो इस तरह से अव्यय का क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। अब चलिए बोर्ड में आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जिन बच्चों को सेंटेंस समझ में नहीं आता है, उनके लिए एकमात्र उपाय है, बाबू कोई टीचर आपको ऐसे नहीं बताएगा, सेमुसी बुक से जो भी आपको चैप्टर पढ़ने हैं उसको आप बेहतर कर लेते हैं, सेमुसी बुक का चैप्टर, जो सीबीएसई के स्टूडेंट है, शांति से सुनिएगा मेरी बात, उसको आप बेहतर कर लेते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, एक भी क्वेश्चन अव्यय का नहीं छूटेगा, क्योंकि सेंटेंस जो है आपको सेमुसी बुक से ही आएगा। अब देखिए ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा, और देखिए कैसे झट 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 हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका दिमाग चकराएगा, तो दिमाग को थोड़ा सा शांत करके पढ़िएगा। दुर्वहम जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम। अब पता कीजिए कि यह कौन से चैप्टर का है। तो जो बच्चा ध्यान से ईमानदारी से चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा कि दुर्वहम जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम, यह फर्स्ट चैप्टर सूची पर्यावरणम का है, ठीक। अब सूची पर्यावरणम में ये लाइन आप पढ़े होंगे, आप क्या पढ़े होंगे, हम तो खुद लेक्चर डाल के पढ़ाए, लेक्चर नहीं देखे इसीलिए बोल रहे। देखिए तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, दुर्वहम मतलब कि दुभर, कठिन, बेकार। जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम मतलब कि यहाँ पे जीवन जीना क्या हो गया है, बेकार हो गया है, और हमें प्रकृति की शरण में चले जाना चाहिए। कभी जो है संस्कृत का जो आपका सिमुसी बुक है उसका पहला चैप्टर सूची पर्यावरणम के पहले लाइन में यह वर्ड है कि दुर्वहम जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम। अब देखिए बोर्ड आपसे पूछेगा तो यह भी तो सोचेगा कि पहले का लाइन तो बच्चा जरूर पढ़ा होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ जीवन जीना दुभर हो गया है। अब जैसे ही हमने मुँह खोला, हमारे मुँह से निकल गया यहाँ यहाँ, मतलब यहाँ पे कौन अव्यय सेट हो रहा है, यहाँ सेट हो रहा है कि यहाँ पे जो जीवन जीना है क्या हो गया है, कठिन हो गया है। और यहाँ का मतलब अभी बताएं क्या होता है, तो सर अत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बउआ बताओ, अत्र हो जाएगा, हो जाएगा। सर जी एक बार और बता दीजिए ना सर, हम नहीं ना पढ़े हैं सर संस्कृत 3-4 साल से, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए बाबू एक बार और ध्यान से सीखिएगा, जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले यह फाइंड करने की कोशिश कीजिए, लेट यू फाइंड
कि विच चैप्टर बिलोंग टू सेंटेंस, मतलब किस चैप्टर से यह सेंटेंस बिलोंग कर रहा है। तो दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, शब्दार्थवा भी देखे होइएगा तो आप पकड़ लेंगे कि पहला चैप्टर से है प्रकृति की शरण में कभी बोले हुए जाने के लिए। तो आपको पता होगा कि इसका संस्कृत मीनिंग क्या होता है, हम बताए हुए कि यहाँ जीवन जीना क्या हो गया है, दुभर हो गया, तो यहाँ का क्या होता है अत्र, तो अत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सहने का मतलब होता है धीरे, नौमा में यह व्यय सहने, सहने का मतलब होता है धीरे। अब धीरे धीरे जीवन जीना थोड़ी कठिन हो गया आजकल के ज़माने में, यहाँ तो पूरी तरीके से हो गया है। यहाँ सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक जीवन जीना कठिन हो गया है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कोई प्रक्रिया लागू हुआ है, तो क्या होगा, अत्र होगा। ठीक, तो इस टाइप से पकड़ सकते हैं, ईमानदारी से बाबू बता रहे हैं। चैप्टर में अगर लफा शूटिंग कीजिएगा हिरिंग विरिंग तो अव्यय में दिक्कत होगा। सेकेंड क्वेश्चन है यत्रास्ते सा धूर्ता गम्यत्याम, यत्रास्ते सा धूर्ता गम्यत्याम। आप यह पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह बुद्धि बलवती चैप्टर का यह है सेंटेंस, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि सियार कहता है कि कहाँ कपटी नारी है, वो धूर्त नारी कहाँ है बुद्धिमती, वहाँ हमको क्या करिए ले चलिए, वहाँ हमको ले चलिए। देखिए देखिए स्टूडेंट, पढ़े हुए हैं हम भी, पढ़े हुए हैं आप भी, जो बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे चैप्टर पढ़ के उनको पता होगा, मुंह से ही बोला जाएगा अपने आप आपको अव्यय। सर कैसे बोला जाएगा, देखिए यत्रास्ते सा धूर्ता गम्यत्याम, मुंह में जैसे ही इसका हिंदी वर्ड हम निकालेंगे कि सियार कहता है कि कपटी नारी हम मतलब जहाँ पे है वो बुद्धिमती वहाँ हमको ले चलिए, वहाँ ले चलिए, वहाँ ले चलिए, तो वहाँ का क्या होता है तत्र होता है। ठीक, तो तत्र हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है अगला लाइन, सह दीन इति जाननम डैश कृषिक तम बहुधा पीड्यति। आप जानते होंगे कि यह कौन चैप्टर का है, जननी तुल्य वत्सला का है, जहाँ किसान जो है सह दीन इति जाननम, सह मतलब है वह किसान, दीन मतलब गरीब कमजोर, इति मतलब यह, जाननम का मतलब होता है जानते हुए भी किसान क्या कर रहा था, पीड़ रहा था पीड़यति मतलब कि उसको क्या कर रहा था, किसान को क्या कर रहा, ये बैल को क्या कर रहा था, पीट रहा था। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सह मतलब वह गरीब दीन का मतलब यहाँ पे कमजोर, वह कमजोर जानते हुए भी, कमजोर जानते हुए भी किसान क्या कर रहा था, बैलवा को पीट रहा था, कमजोर जानते हुए भी भी भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी बैठ रहा है, और भी का क्या होता है अपी होता है। अब कुता का मतलब होता है कहाँ, ये थोड़ी चैप्टर में कहा गया है कि किसान कहाँ पे पीट रहा था बैल के, पछुआरा पे पीट रहा था कि उसके शरीर पे पीट रहा था, वहाँ पे यह कहा गया हुआ है कि किसान यह जानते हुए भी पीट रहा था, तो क्या आंसर हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे चलिए, अगला है रामम उपसृत्य प्रणम्य डैश कुशलव बदतः। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान राम को प्रणाम कर कर लव और कुश पूछते हैं, लव और कुश क्या करते हैं पूछते हैं। यह ईमानदारी से बोलिए स्टूडेंट, जब आप चैप्टर भी देखेंगे तो उसमें लाइन में ही जोड़ दिया हुआ है क्या, च जो मतलब च लिख दिया हुआ है, बुक में ही लिखा हुआ है कि रामम उपसृत्य प्रणम्य च कुशलव बदतः, च कुशलव बदतः मतलब कि भगवान राम को प्रणाम कर कर च कुशलव बदतः, मतलब कि कुश और लव दोनों पूछते हैं। ठीक, कुश और लव दोनों पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन पूछते हैं कि महाराज आप कुशल है, तो जहाँ भी देखिएगा च, च का मतलब होता है और। ठीक, तो जहाँ भी है कुश कुश च लव च, तो इसका मतलब क्या होता है कुशलव, राम च लक्ष्मण च, तो इसका मतलब क्या हो गया राम और लक्ष्मण, इसका हिंदी अर्थ हो गया। तो इस टाइप से स्टूडेंट अव्यय बनता है। तो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे CBSE के बच्चे हैं उनके लिए दो काम कहेंगे, सबसे पहले तो बाबू यह जितना भी अव्यय लिखाए हैं इसको एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, जैसे अपि का मतलब भी, एव का मतलब ही, इतस तथा का मतलब इधर उधर, यथा का मतलब जैसा, तथा का मतलब वैसा। और उसके बाद क्या काम कीजिए कि आपका जो सेमुसिया है चार चैप्टर बुक है उसको बढ़िया ढंग से पढ़िए। बढ़िया ढंग से कैसे पढ़े सर, अरे एक बार शांति से बुक लेके अपने से रीडिंग डालिए, उसी को कहते हैं बढ़िया ढंग से पढ़ना। और उसके बाद एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, यह आपका बेसिक खराब है इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो यह काम कीजिएगा बस ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, आदाब नमस्कार से श्री अकाल प्रणाम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा और बाबू के साथ दो बार शेयर कीजिएगा। इसी बात के साथ वीडियो समाप्त।